लड़ने के लिए रूस ने दरअसल अब आतंकियों की भर्ती शुरू कर दी है। पुतिन की मंजूरी के बाद सीरिया के लड़ाकों की भर्ती हो रही है और ऐसी रिपोर्ट्स पहले भी थी कि सीरिया के लड़ाकों को रूस इस्तेमाल कर रहा है। रूसी फौज पिछले 17 दिनों से यूक्रेन फतह की कोशिश में जुटी है। भीषण जंग जारी है, दोनों ओर से जान माल का जबरदस्त नुकसान हो रहा है। पुतिन को भी उम्मीद नहीं रही होगी कि ये युद्ध इतना लंबा खिंचेगा। ऐसे में अब रूसी फौज ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। उसने यूक्रेन के खिलाफ जंग में विदेशी लड़ाकों को उतारने का फैसला किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने इस प्लान को अपनी मंजूरी भी दे दी है। ये लड़ाके सीरिया और मिडिल ईस्ट के दूसरे हिस्सों से आएंगे और इनकी भर्ती भी शुरू हो चुकी है। रूस की तरफ से यूक्रेन में जंग लड़ने वाले इन विदेशी लड़ाकों को वॉलंटियर्स फाइटर्स का नाम दिया है। दावा है कि रूस को ऐसे 16,000 से ज्यादा लड़ाकों के आवेदन मिल भी चुके हैं। आईएस के खिलाफ जंग में भी इन्होंने रूस का साथ दिया था। सीरिया में जंग के बीच महंगाई और नौकरियों की कमी है। ऐसे में ये लड़ाके रूस के वॉलंटियर बनकर यूक्रेन में जंग छेड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसके लिए रूस इन्हें $200 से $300 प्रति महीने तक देगा। कई दिनों से ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस सीरियाई लड़ाकों को उतार सकता है। अब ये खबरें सच साबित हुई है। इनके अलावा रूस ने यूक्रेनी विद्रोहियों को भी खुलेआम सैन्य साजो सामान देकर जंग में भेजने की तैयारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।